नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टू वर्ल्ड पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। दोस्तों, हर साल 14 फरवरी को दुनिया भर में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे को प्यार का त्यौहार भी कहा जाता है। वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट तो हर कोई करता है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है और वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, ये बात हर कोई नहीं जानता। तो आइए जानते हैं वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे रोम के एक प्रिस्ट सेंट वैलेंटाइन पुजारी संत वैलेंटाइन की याद में मनाया जाता है। सेंट वैलेंटाइन की कहानी बहुत ही दिलचस्प है और वैलेंटाइन डे की पूरी हिस्ट्री सेंट वैलेंटाइन की कहानी पर ही टिकी है। आज की इस वीडियो के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि क्यों सेंट वैलेंटाइन की याद में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को ही मनाया जाता है और वैलेंटाइंस डे को मनाने की शुरुआत कहां से हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है। सेंट वैलेंटाइन का जन्म 3rd century 3rd century में रोमन साम्राज्य में हुआ था। वैलेंटाइन रोम के एक पृष्ठ पुजारी संत थे। वैलेंटाइन के समय रोम साम्राज्य का शासक क्लोडियस था, जिसे क्लोडियस द क्रूर के नाम से भी जाना जाता था। क्लोडियस एक शक्तिशाली शासक था और ज़्यादा समय वह अन्य देशों से लड़ाइयाँ ही करता रहता था। उसके अंदर अपने साम्राज्य को बड़ा करने की बहुत लालसा थी, जिसके चलते वह अन्य देशों पर आक्रमण कर देता था। लगातार लड़ाइयाँ करने की वजह से उसकी सेना में जवान लड़कों की बहुत कमी होने लगी, जिसके चलते उसने रोम में मौजूद सभी जवान लड़कों को अपनी सेना में भर्ती करने का फैसला लिया और साथ ही ये भी आदेश दिया कि रोमन साम्राज्य में कोई भी जवान लड़का लड़की शादी नहीं करेंगे। उसने शादी विवाह पर पूरी तरह से रोक लगा दी। क्लोडियस का मानना था कि शादीशुदा पुरुष पत्नी और बच्चे के मोह में आकर युद्ध के समय पीछे हट जाते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ युद्ध नहीं कर पाते। क्लोडियस शादीशुदा सैनिकों को एक कमज़ोर सिपाही मानता था। क्लोडियस के इस आदेश को सेंट वैलेंटाइन ने नहीं माना। उनकी नज़र में ये एक गलत नीति थी। क्लोडियस के आदेश के बावजूद सेंट वैलेंटाइन अपने चर्च में प्रेमी जोड़ों और सैनिकों की चोरी छिपे शादी कराने लगे। क्लोडियस को जब ये बात पता चली तो उसने वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया और मौत की सज़ा सुनाई। जिस जेल में कुछ समय के लिए वैलेंटाइन को रखा गया था, वहाँ के जेलर की एक बेटी थी और वो जन्म से ही देख नहीं सकती थी। उस जेलर को पता चला कि वैलेंटाइन एक पृष्ठ संत हैं और वो भगवान को बहुत मानते हैं, तो वो मेरी बेटी का इलाज भी कर सकते हैं। वो जेलर चोरी छुपे अपनी बेटी को सेंट वैलेंटाइन के पास इलाज के लिए लाया करता था। वैलेंटाइन और जेलर की बेटी को एक दूसरे से प्यार हो गया। जेल में रहकर ही वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी को मौत से पहले अपनी आंखें दान कर दी। जिस दिन वैलेंटाइन को फांसी दी जाने वाली थी, उससे एक दिन पहले वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी को एक पत्र लिखा और उस पत्र के आखिर में उन्होंने लिखा था, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। इसलिए मनाते हैं 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे। रोमन इतिहासकार मानते हैं कि जिस दिन वैलेंटाइन की मौत हुई, उस दिन की तारीख 14 फरवरी 269 एडी ईस्वी थी। वैलेंटाइन की मौत के बाद रोम के लोगों ने 14 फरवरी को प्यार के दिन के रूप में मनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में वैलेंटाइंस डे सिर्फ रोम में ही मनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये फेस्टिवल दूसरे देशों में भी मनाया जाने लगा और आज लगभग हर देश में 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 7 फरवरी से हो जाती है और इस पूरे हफ्ते को वैलेंटाइन वीक कहा जाता है। वैलेंटाइन वीक के हर दिन का एक अलग महत्व है और हर दिन को मनाने की अलग वजह है। दोस्तों,
वैलेंटाइंस डे की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करें। अगर दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलता है। धन्यवाद।